तो क्या कर रहे हैं आप किचन में, जरा बताएंगे। मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, सब लोग खुश रहे। चलो चलो दरो बाबी टंगरा, चल नाश्ता करने चल। इसका ब्रेकअप हो गया, इसके मूड ऑफ की वजह पूछने आई थी मैं, इसके लिए मेरे ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हुआ है? हाँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए राजमा बनके जो है तैयार हो चुकी है हमारी, और इसमें मैंने चावल भी, यहाँ पे चल रहे हैं सत्यप्रकाश जी के गाने, सत्यप्रकाश जी पेड़ की छाव में बैठ के गाने गाते हुए। तो फ्रेंड्स वहाँ से ये वॉक हमको यहीं पे ख़त्म करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ना ऊपर से पत्थर गिरने लगे। तो आरती में भी काफ़ी ज़्यादा रश है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो मुझे सामने मैंने ये बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये वाली बिल्डिंग काफ़ी दूर वहाँ बारह पत्थर की तरफ। तो इस समय बजने लगे हैं सुबह के आठ बजने में, बस एक मिनट बाकी है। और ये है शांत सा लेक व्यू और होली फ्लैग्स। तो मौसम ऐसे ही बना हुआ धुंध वाला सा, और धूप भी लग रही है, धुंध वाला सा मौसम भी बना हुआ है। तो चलिए उस साइड से दिखाती हूँ लेक व्यू। तो फ्रेंड्स ये देखिए लेक व्यू, और सुबह सुबह बोट्स दिख रहे हैं लेक में, इसका मतलब है कि अच्छी खासी भीड़ है नैनीताल में। आज संडे है तो कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन इतना वो नहीं थी। देखिए आज भी देखिए मुझे लग रहा है सुबह सुबह लोग बोटिंग करने निकले हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-8 बोट्स दिख रही है अभी लेक में सुबह के 8 बजे। और यहाँ पर संग जल रहा है, और यहाँ पे आम जला रहे हैं संग, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है इसको जलाना ना आग को। आजकल तो तभी भी जल जाती, बरसात के समय में जो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आग जलाना। तो ये हमारा गोदाम है, यहाँ पे लकड़ियाँ संग ये सब लगा रखा रहता है ताकि यहाँ पे फट से जला सकें। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और बनाते हैं नाश्ता। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अंदर, और यहाँ पर बज रहे हैं डोमा मंत्रा। तो डोमा मंत्रा पर भी कॉपीराइट लग सकता है मुझे, तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर को। तो हमारे घर में ना सुबह के समय में पूजा के सब बज रहे होते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप किचन में, ज़रा बताएंगे। मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, सब लोग खुश रहे, माता रानी की आप लोग बनी रहे। मैं बादाम छिल रहा हूं। तो इन्होंने बादाम छिल के सबके हिस्सेदारी कर दी, ये मेरा हिस्सा, ये इन तीनों का हिस्सा, बाप बेटा, माँ बेटा, माँ बेटा पोता, तो ये तीनों का हिस्सा है, आमा का, इनका, नोनी का, और ये मेरा इन्होंने अलग से रख दिया यहाँ पे। तो चले अपने बादाम खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स नोनी के बाबू ने उसके पीछे पड़ के इसको रूम साफ करने के लिए बोला। उन्होंने सच में तो बहुत ही गलत बात है, देखते हो वहाँ पे क्या कर रखा तूने है? इधर देख, आज सुबह से क्लास ले गई है, फिर मूड खराब क्या हो गया? नाश्ता करने आ जा है तू। नोनी सुबह सुबह क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रहा था जरा? हाँ एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है जरा बता दो, एटीट्यूड देखना जरा, एटीट्यूड देखना जरा इनका, पित्ते भर का हुआ नहीं, एटीट्यूड दिखा रहा है बड़ा। और धूप में क्यों बैठा है? गलत क्या, बड़ा काला हो जाएगा धूप में बैठ के, गलत बोला क्या? हाँ नहीं, कपड़े फैला क्यों रखे तू? आवन गलत बोला, बोलू आओ मुंह लाया यहाँ पे, बोलू आ गया कुछ नहीं, शूट हो रहा है, शूट हो रहा। चलो चलो दो बाबी टंगरा, चल नाश्ता करने चल। क्या हो गया सुबह सुबह, क्यों सड़ा हुआ तू बता दे, क्यों सड़ा सुबह सुबह? पूजा घर पे धकेल दे। बस ब्लेजर उठा के अंदर रख दे। चलो चलो इसका ब्रेकअप हो गया, इसके मूड ऑफ की वजह पूछने आई थी मैं, इसके लिए मेरे ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हुआ है? हाँ। इतना जोर से तो मैं इसको पूछने आई थी क्या वो सुबह सुबह इतना मुंह क्यों सड़ा हुआ है? शादी टूट गई मेरी। शादी हमने तय नहीं करवाई थी, शादी हम ही तय करवाएंगे। मैं तय करने गया था खुद अपने। हाँ वो तू तय नहीं कराएगा, वो मैं खुद तय कराऊंगी समझे। इन्हें का इंटर कास्ट मैरिज नहीं होगी, क्रिश्चियन है ना वो लोग, इसमें बोलेगा तू कैसे? हाँ। यूट्यूब पे से बोलेगा तू? हाँ। क्रिश्चियन है, देखो तो खुद बता भी दिया क्रिश्चियन है करके। हाँ। कहते है तुझे आयुष्मान पीटर बनना पड़ेगा। मारेंगे सारे मिलकर तुझे, बकवास कर रहा है फालतू में। तो चलिए मैं तो चली नाश्ता करने, इसका देखने आई थी मूड खराब पड़ा हुआ है, सड़ा के बैठा हुआ सुबह सुबह, पता नहीं क्यों सड़ा हुआ है। तो सड़ने की आदत ना बहुत बुरी होती है। अरे यार ये नीचे रेलिंग गिरा रखी है, देख मैंने अभी मेरे को याद आया, यहाँ से जो रेलिंग लगी थी ना गिरा दी लंगूरों ने उस दिन नीचे,
उठानी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं नाश्ता, चल नाश्ता करने, अभी नहीं खाना। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का नाश्ता, मिक्स वेज चपाती, इसमें है घी, चाय, चटनी और इनका है हाफ फ्राई। और क्या बताओ अपना नाश्ता, खुद बताओ। मिक्स वेज एंड हाफ फ्राई। अभी खाने में बहुत बिजी है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हुए मैं अभी खाना शुरू करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज बनने जा रही है राजमा। तो राजमा को हमने अच्छे से बॉईल कर दिया, तो खूब पक के गलगली होगी राजमा। तो आज जो ना अच्छे से गल गई है राजमा, सॉरी सांस फूल रही है। तो क्या कहते हैं, मैंने कुछ नहीं डाला था इसको उबालते समय, सिर्फ इसमें मैंने डाला था क्या कहते हैं नमक और हल्की सी हींग डाल दी थी। बस उसको डालने के बाद मैंने इसको खूब अच्छे से गला दिया है। तो कम आँच पर पकाया था, रात की भिगो रखी थी राजमा। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, प्याज, टमाटर, लहसुन, लहसुन का पेस्ट, बस यही सब चाहिए होता है। और अगर आपको धनिया पसंद है तो धनिया आप डाल सकते हैं, सूखा धनिया, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो चलिए राजमा को फ्राई करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए राजमा बनके जो है तैयार हो चुकी है हमारी, और इसमें मैंने चावल भिगो के रख दिए। मैं जाती हूँ नहाने, नहा के आऊँगी फिर चावल चढ़ाऊँगी। जब तक मैं तैयार होंगी तब तक चावल भी जो है पक जाएंगे, और खाना लेके चली जाती हूँ आज साथ में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मेडिसिन जो कि काफ़ी सारी बची हुई है मेरे पास। ये मेरे को मिली थी वहाँ से, क्या कहते हैं इसको, हल्द्वानी से, जब मेरे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी ना तब की है। तो उसके बाद मैंने दिखाया था मेदांता में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये सब दवाएं जो मैं बंद करूँ, सिर्फ मेरे को इन्हेलर लेने के लिए बोला था। तो इन्हेलर मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो ये मैं सोच रही अगर वापस हो जाती है ना सारी तो फिर वापस कर दूँगी। इन्हेलर जो है ना मेरा काफ़ी सारा चल जाता है, मतलब 2-3 महीने से चल जाता है आराम से। तो सिर्फ इन्हेलर लेने को बोल रखा है, तो बाकी सारी दवाइयाँ बंद होनी है। ये अब मेरे को भेजनी है केमिस्ट की तरफ। तो मैं इनकी फोटो खींच रही थी, तो मैंने जब वीडियो भी बना दूँ तो यार बन भी नहीं रही है, कैसे बनेगी। वहाँ से क्यों भागे फिर, यहाँ आ जाना वापस। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए तारा ने रखा था इसको खुला, और यहाँ से लंगूर आया, उसने पूरा पेड़ ना खाने की कोशिश करी, खाया तो नहीं, तोड़ा थोड़ा बहुत सा, वही ना लगा हुआ था वो खींचने में। यहाँ अंदर तो घुसने, अंदर घुसने को बिल्कुल घुस के चला रहा था अंदर। तो ये वो शरारती लंगूर भाग, देखो यहाँ कुर्सी उर्सी पलट के भाग, ऐसे शरारत करते, डरते भी तो नहीं है, ऐसे बदमाश है नहीं लोग। संग के उसके नीचे घुसा हुआ, थैली है, कितना अच्छा थैली है उसके पास, वो लाऊं मैं अंदर। तो फ्रेंड्स, मौसम आज भी कुछ ऐसा ही है, हल्का बादल, हल्की धूप सी, पर ठंड नहीं है, गर्मी हो गई है। शाम के समय में थोड़ी ठंड है ज़्यादा। तो चलिए मैं निकल पड़ रही हूँ दुकान की ओर। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो दिन के 1 बज चुके हैं, मैंने खाना खा के निकली, तो फिर घर से निकलते हुए ना मुँह में केक भरा हुआ था, मैं केक खाते खाते आ रही थी, आधे रास्ते केक खाते 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 आई। उसके बाद मैं पहुँची हूँ यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, आवागढ़ वाली चढ़ाई में। तो चले चल जा रही हूँ दुकान की तरफ ना, उनका लंच लेके जा रही हूँ, छोटे से टिफिन में ये, और फिर मेरा पानी का कैटल, ये वो पानी की बोतल वगैरह वगैरह जो सामान ना, फिर स्वेट शर्ट वो सब करके बहुत ज़्यादा सामान हाथ में हो जाता है। तो चले जिसके बाद नीचे मिलते, देखते कैसा है आज भीड़ भाड़ का क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेट बैंक, और मेरे को ना शूट करना बड़ा मुश्किल पड़ा, मुझे लगा मेरी दाल ना सारी गिरी भी मिलेगी वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो यहाँ पे लगी हुई है दुकान है वो, ये हेडबैंड वगैरह की दुकान लगती है यहाँ पे, और कनपट्टे जिनको बोलते हैं वो वाले, और क्या कहते हैं टोपियाँ शोपियाँ मोजे वोजे जो लगे होते हैं ना, खुद जो बिनती हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो शॉप होती है, महिला सशक्तिकरण। तो चलिए आज बहुत कम भीड़ दिख रही है यहाँ पे, शायद धूप की वजह से होगा या जो भी रहा होगा, तो बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे इस समय, गाड़ियाँ भी कम दिख रही, लोग भी कम दिख रहे, जबकि आज है संडे, और सैटरडे संडे तो रहती है वैसे भीड़ भाड़ ना, तो आज बहुत कम सी भीड़ है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो चले चलते हैं और देखते दुकान की तरफ इस तरह की भीड़ है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं पंत पार्क में फिर शूट करने लगी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ सा दिखने लगा, और मुझे दिखा यहाँ पे एक बच्चा ना जो डायनासोर से खेल रहा था, ये देखिए इसका डायनासोर चल रहा है आगे को, कितने उससे देख रहा है उसको, देखना ये गिर गया डायनासोर, तो कोई बच्चा प्यारा सा लगा यहाँ पे। तो मैंने शूट करना स्टार्ट किया, ओ ये क्या हो गया, पेड़ टूट गया है क्या, काट दिया इसको, क्यों काटा गया होगा ये। तो यहाँ पे एक पेड़ कट गया है, ये चिनार का पेड़, क्या हुआ भैया, टूट गया क्या, ये टूटा कि काटा है, अच्छा पता नहीं क्या बोला, सुना नहीं मुझे कुछ बोला इन्होंने, क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया मुझे। तो ये देखिए, अच्छा टूट गया, ये ऊपर से कटा नहीं है। तो चलिए पेड़ एक टूट के गिर गया है यहाँ पे, पता नहीं किसने तोड़ा क्या तोड़ा, पता नहीं कुछ बोल तो रहे हैं वो लोग, अपने मुँह के अंदर ही बोल रहे जो समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह का तो हल्का है क्राउड कल से, आज कल थोड़ा ठीक था, आज तो बिल्कुल ही हल्का सा है, कम शम से लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे चल रहे सत्यप्रकाश जी के गाने, सत्यप्रकाश जी पेड़ की छाँव में बैठ के गाने गाते हुए, आज तो इनके गाने सुनने के भी लोग इकट्ठे नहीं हो रखे, नहीं तो क्या होता जहाँ पे ये गाने गा रहे होते ना वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज नहीं है यहाँ पे कोई भी, सब लोग आने और जाने में ही लगे पड़े हैं, उसको इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दिन के 1:30 बजे का नज़ारा मार्केट का, मेरे हाथ में ना 2-2 बैग थे, तो मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके बाद पंत पार्क के बाद ना।
लोग दिख रहे हैं क्या? तू कैसे काम काज तो मुझे लग रहा है ऐसी है, कैसे बबलू काम? काम तो अभी बोनी की है बस। बोनी कर दिए? हमारी तो बोनी भी नहीं हो रही, बोनी करवा दे हमारी भी। तो चलिए अब काम तो कुछ है नहीं, मैं जाती थोड़ी गपशप मारती हूँ, दुकान आए गपशप मारे, बस वही काम रह गया आजकल। फ्रेंड्स शाम के 3:30 बजे का जो नज़ारा है कुछ इस तरह का है। अजीब सा मौसम आप देख सकते हैं, पता नहीं स्वेटशर्ट पहने तो गर्मी लग रही है, उतारो तो जाड़े लग रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि इंसान पहने क्या। तो टी शर्ट में निकली मैं बाहर को तो ठंडी हवा चली, तो ठंड भी लग रही है। तो पता क्या मुझे आगे दिखा, थोड़ा सा सजावट हो रही है यहाँ पे नैनीताल में, क्योंकि 23 तारीख को जो ना हनुमान जन्मोत्सव है, तो हनुमान लल्ला का जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा 23 क्या है ये अप्रैल को, और तो उसकी तैयारियाँ जो शुरू हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चमकी लग रही है, चमकी चमकी ले से लगा रहे, देखिए सजावट चल रही है यहाँ पे। तो मेरे को ये दिखा तो मैंने कहा आगे शूट कर लिया जाए इसको भी, अपनी मेहनत से लगा रहे हैं यहाँ पे चमकी। तो परसों को जो है यहाँ पे 23 को जो है यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन होने वाला है, तो सभी लोग आ सकते हैं। मतलब विशाल भंडारे का जो आयोजन होगा तो उसमें सभी जन समूह को इन्विटेशन दिया गया है, मतलब सभी लोगों को इन्विटेशन दिया गया है, तो मेरी तरफ से भी आ सकते हैं सभी लोग। ये देखिए बहुत सुंदर से ऐसे लगा दिया है, तो पता नहीं कहाँ से वहीं से शुरू से लग के आ रहा है शायद, इस तरह का लग रहा है ये। तो चलिए मैं यही दिखाने के लिए कही थी, जो फुटपाथ वाली मार्केट अभी तक लगी नहीं है। नमस्कार। तो जो फट वाली मार्केट से ना वो अभी लगी नहीं है, बस वो लगने वाली है थोड़ी देर में। तो मुझे ये दिखा तो मैंने कहा मैं यही शूट कर लेती हूँ तब तक, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए ये दिखा दिया है आप लोगों को, अब दिखाती हूँ मैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब। तो ये है गुरुद्वारा साहिब, तो भाभी गपशप मार रही है सामने से खड़ी होके किसी से। तो ये देखिए गुरुद्वारा साहिब, यहाँ पे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ये है, और सामने में मंदिर भी है। तो भीड़ भाड़ तो है, बस ऐसी आती जाती सी भीड़ भाड़ है। मतलब आज संडे है ना, तो यही वीकेंड वाला क्राउड है, कल को फिर लोकल क्राउड रहेगा, कल को तो नहीं परसों को रहेगी खूब अच्छी धूम यहाँ पे, क्योंकि भंडारा लगा रहेगा, तो दिन भर लोग आते जाते से भीड़ भाड़ सी रहेगी। मतलब बिजी रहेंगे हम परसों दिन भर, और रहेंगे बिजी क्योंकि ब्लॉग बनाना रहेगा मुझे तो उसमें। ये है मार्केट का हाल। अब मेरे को वॉक पे जाना है ठंडी रोड की तरफ, तो मैं वॉक पे जाए आती हूँ, फिर मिलते हैं इसके बाद फिर, क्योंकि आज मैं डॉक्टर की तरफ नहीं गई ना, तो मेरी वॉक छूट जाएगी, क्योंकि ठंडी रोड तो मैं पूरा जाए आती हूँ फिर भी। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 4:15 और मैं जा रही हूँ ठंडी रोड वॉक पे, तो चले लेके चलती हूँ आप लोगों को साथ में वॉक पे। वॉक पे जाने के लिए मैंने भाभी से पूछा, तो भाभी भी जा रही है और तिंजी भी आ रही है, तो यहाँ पे लीजिए माता रानी के मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए आप, तो जय हो मैया जी। तो हम तीन जने जा रहे हैं अब। अजी शुभ पूछा नहीं मैंने, शायद वो भी जाती होगी। तो फ्रेंड्स ये ठंडी रोड आ गई तिंजी, ठंडी रोड का नज़ारा, तो हम लोग ना तिंजी का वेट करें, मैं भाभी कुंता और तिंजी, हम तीन जने साथ जा रहे हैं। आज तो इधर को मार्केट लगी हुई नहीं है, इधर को दुकानें आजकल लग भी नहीं रही है, इधर कम ही लग रही है। तो फ्रेंड्स वहाँ से ये वॉक हमको यहीं पर ख़त्म करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ना ऊपर से पत्थर गिरने लगे, तो वहाँ से बेचारे कोई लोग आ रहे थे ना इधर को, वो भी आते आते गिर रहे भाभी, एक छोटा सा पत्थर भी लगा तो टैंग हो जाएगी यहीं पे, तो पत्थर गिर रहे आज यहाँ पे ऊपर से। तो बेचारे दो लोग वहाँ से आ रहे थे ना, वो भी वापस मुड़ गए उधर को आते आते ही, ठीक वो वहाँ पहुँचे और पत्थर आना स्टार्ट हो गया ऊपर से। देखो हाँ गिर रहे, बना रहे थे जी ऊपर, तभी गिर रहे हो, काम चला हुआ ना ऊपर, हाँ तभी तो ये जो मशीन काम चल रहा है ना ऊपर में, खतरा है मतलब यहाँ से आना जाना थोड़ा। तो हम लोग भी यहाँ से वापस ही चल रहे, ओ ऊपर देखो वहाँ काम चल रहा है, वहाँ ऊपर पाइप लगा रखा ऊपर, दिख रहा है हाँ, तो वहाँ काम चल रहा है ऊपर में। तो ये देखिए लेक व्यू, तो मौसम कुछ ऐसे अजीब सा ही बना हुआ है, पता नहीं समझ ही नहीं आ रही, धूप छाँव टाइप का, और तेज धूप लगी तो तेज़ धूप, छाँव है तो फिर ठंडा, अजीब सा ही मौसम लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहीं से वापस जाते हैं, मैंने तो पूरा उधर तक जाएंगे, मगर ये पत्थर गिरने लगे हुए ऊपर से छोटे छोटे, इतनी फोर्स में अगर छोटा सा भी पत्थर लग जाए ना तो फिर चोट लग जाएगी। तो भाभी और तेजी आगे आगे जाते हुए और मैं पीछे जाते हुए, तो चलिए चलते हैं वापस। तो कुछ खास वॉक नहीं हुई आज। तो फ्रेंड्स इस जगह से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, और ऊपर कोई ना गाने गा रहा है, पहाड़ी गाने, पता नहीं कौन है, बहुत मस्त मस्ती में। तो चलिए जी, खूबसूरत सा नज़ारा जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, जो मैं दिखा चुकी हूँ, और बोट्स भी काफ़ी ज़्यादा है लेक में ना, संडे है कल से फिर वही सुनसानी, वीकेंड का क्राउड है बस, उसके बाद जयराम जी की। फ्रेंड्स जब हम ठंडी रोड में जाते ना, तो यहाँ पे हमको इतने बड़े बड़े लंगूर भी मिलते, कई दफ़ा उनको छेड़ो तो काटने के लिए आते थे, उनको ना छेड़ो तो फिर बैठ जाते, तो वहाँ पे उसमें चावल डाले हुए ना, खिचड़ी डाली हुई ना भगवान जी की, शनि महाराज जी की, तो कैसे खा रहा लेट के आराम से। तो चलिए शनि मंदिर पहुँच गए, उसको गुस्सा भी आ सकता है, मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, तो चलिए चलते हैं, तो शनि महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं आप लोग भी। तो चलिए जी चलते हैं आगे को, मेरे साथी जो है मेरे से थोड़े आगे आ गई है, मैं थोड़ी लेट हूँ वीडियो शूट करते करते, फिर भी मैं काफ़ी स्पीड में आई हूँ।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के 6 बजने वाले हैं, तो सत्यप्रकाश जी के गाने चल रहे हैं यहाँ पे, और इस समय शाम के 6 बजने में 10-1 मिनट से तो ये नज़ारा है यहाँ पे। तो चलिए, गाना तो बंद कर दिया सत्यप्रकाश जी ने, तो कुछ बातचीत करें। सत्यप्रकाश जी के फ़ैन है ये जो आए हुए हैं ना सामने, सत्यप्रकाश जी से बातें कर रहे हैं, तो ये भी सत्यप्रकाश जी को ढूंढते हुए आए हैं यहाँ पे। तो फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है सत्यप्रकाश जी की भी यहाँ पे। तो चलिए, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे इस समय नज़ारा। 5:50 हो, मुझे एक्चुअली चश्मा नहीं है तो टाइम दिख नहीं रहा है मैंने, और चश्मा मैं हमेशा साथ रखती नहीं हूँ, तो ये हो जाता है। तो चलें जी, वो वहाँ तक ना वो चमकी चमकी लग गई है, उधर तक फुटपाथ वाली साइड तक सारी चमकियाँ लग गई है। तो ये परसों का, जैसे कि मैंने बताया था ना उस दिन हनुमान जयंती के लिए, सो सज्जित हो रहा है। तो चले अब हम भी चलते हैं दुकान के अंदर, थोड़ा बैठते हैं। मैं आई हूँ आज तो मैंने बैठी नहीं दुकान में, बस घूमती रही हूँ इधर से उधर, उधर से इधर करके। तो अब शाम के टाइम में ना ठंड बढ़ गई है, तो ठंडी हवा चलने लग गई है। दिन में तो धूप थी तो ठीक था मौसम, शाम को ठंड है। तो पतिदेव ना आजकल पता नहीं कोई कोरियन सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें कि बस बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने लोग कोरियन सीरीज़ में से घुसे पड़े, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो आप। अब निकलो बाहर, में बैठ रही हूँ यहाँ पे। मैं आ चुकी हूँ मैया जी के मंदिर में, और यहाँ पे चल रही संध्या आरती। तो आजकल जो संध्या आरती का टाइम है ना, शाम को 7 बजे से शुरू हो जाती है आरती। तो चले हम भी आप लोगों को थोड़े से दर्शन करवा दूँ आरती के। अंदर ही जाना नहीं हो पा रहा मेरा। तो आरती में भी काफ़ी ज़्यादा रश दिख रहा है आज। अभी लोग आ ही रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो रात के ना 8 बज चुके हैं, शाम के कहीं या रात के कहीं, तो उस समय 8 बज रहे हैं, और 8 बजे के टाइम पे कुछ इस तरह का क्राउड अभी है मार्केट में। तो आज जो है ना ठंड थोड़ी ज़्यादा है, मतलब पिछले कल भी ठंड थी, तो आज भी ठंड ज़्यादा है। तो इक्के दुक्के से लोग मार्केट की तरफ, जिनको ठंड लग रही है, जो कुछ भी नहीं पहन के आए तो वो लोग दिख रहे हैं मार्केट की तरफ में थोड़े से। तो बाकी तो नहीं है उतना ज़्यादा काम, तो बिना उसके भी लोग बिना मतलब पतली पतली सी शर्ट्स में भी लोग घूम रहे हैं जिनको ठंड नहीं लगती होती है। तो मुझे लगती है ज़्यादा ठंड ना, तो फिर ज़्यादा ठंड लग रही है मतलब, और है भी आज ज़्यादा ठंड। तो चलें, आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे भोटिया मार्केट में पूर्ण विराम देते हैं। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। तो इस तरह का क्राउड है जी अभी रात के 8 बजे।